नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, मैं पूजा करके भगवान को जल चढ़ा के अभी थोड़ा सा इधर उधर टहल रही हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बताया है कि थोड़ी सी निगरानी कर लेती हूँ आसपास के, जो पौधे इधर उधर नीचे लगे हुए, जो फूल लगे हुए हैं, पड़ोसी कोई तोड़ के तो नहीं ले जा रहे हैं। खैर, मजाक कर रही हूँ, बस ये सुबह का मेरा रोज का रूटीन रहता है। और अभी मैं काफी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है। हस्बैंड स्कूल चले गए हैं और बच्चे भी सो के उठ चुके हैं, नहा कर तैयार भी हो चुके हैं। मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के पकौड़ी की सब्जी। मैं कोफ्ते नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने कोफ्ते की जैसे बिल्कुल भी नहीं काम किया। कोफ्ते के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, एकदम ड्राई ड्राई से ये बनाने पड़ते हैं, उसके बाद इनके कोफ्ते बनेंगे टाइट टाइट से, गोल गोल से। बट आज मैंने थोड़ा सा आलस दिखा दिया, मैं आलस भरी आज अपना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी आवाज बीच बीच में दफ्त की आ सकती है क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वो मेरे पास में ही बैठा हुआ है, चटरपटर करते ही जा रहा है। तो बस ये लौकी जो है मेरे हस्बैंड जी लेकर आए हुए थे, 2 दिन हो गए रखे हुए फ्रिज में, काफी दिन तक रुक जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अब इसे बना लेना चाहिए, नहीं तो ये चल बसेगी अपने आप से ही। तो बस मैंने इसको छीला और इसको कद्दूकस कर रही हूँ, पूरी लौकी का इस्तेमाल कर लिया है। कारण पता है क्या है, क्योंकि मैं इनकी पकौड़ियां बनाऊंगी तो पकौड़ियां कुछ ना दक्ष आध्या भी खा लेते हैं, कुछ मैं भी खा लेती हूँ। तो बस यह मेरा सुबह का यही रूटीन रहता है, पहले नाश्ता वगैरह बनाओ या ना बनाओ तो कुछ ऐसी चीज बना लो जल्दी से जो खा लो, या बनी हुई रखी हुई है मठरी वगैरह या फिर ब्रेड सेक लिए, तो बस नाश्ता वगैरह हो जाए और उसके बाद मैं नाश्ते की बर्तन धुलना, फिर उसके बाद डायरेक्टली तुरंत लग जाती हूँ मैं खाना बनाने के लिए। बीच में दक्ष और आध्या को नहलाना भी पड़ता है, तैयार कराना पड़ता है, उनको किसी ना किसी चीज में इंगेज भी कराना पड़ता है। कोई खिलौने दे देती हूँ या फिर कोई ड्राइंग करने के लिए आध्या को दे दूंगी तो एक पेज दक्ष को भी देना पड़ता है, तो ये रहता है। लेकिन इन सारी चीजों को इस तरीके से मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरे काम कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पास में दादी बाबा का होना बहुत जरूरी रहता है जब बच्चे हों घर में। इन फ्यूचर बहुत जल्द होगा, बहुत सब कुछ सही होगा, लेकिन क्या करें, अभी जैसे है वैसी जिंदगी मैं जी रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे इसको दबा दबा के मैंने लौकी का पानी है वो निकाल दिया है जितना मुझसे हो सका, मेरी ज्यादा ताकत नहीं लग रही है। जैसा कि मैंने बताया कि आज बहुत आलस भरा दिन बीत रहा है मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का, लेकिन फिर मेरी थोड़ी एनर्जी एकदम से आ गई। अच्छा, एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि आप कैसे कर लेते हो ये सारे काम और साथ में यूट्यूब भी संभालना। तो उनके लिए मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग ये सोचिए कि ये सारे जो काम है, घर के काम है, जो खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, या फिर आपके यहाँ मेड लगी है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कुकिंग करना, बच्चों को संभालना और उनकी केयर करना, अपने हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा समय बिताना और साथ ही साथ घर को भी मैनेज कर लेना, ये किसका काम है और क्यों करना चाहिए मुझे, मैं क्यों करूँ? कारण ये भी हमारा भी स्वार्थ रहता है कि हाँ, हमारे बच्चे हैं, इस वजह से मैं उनको क्यों ना प्यार करूं, उनको क्यों ना खाना बना के खिलाऊं। और दूसरी चीज क्या है, हमारा ही घर है, हमारा ही घर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो फिर मतलब कैसे रहेगा और कौन करेगा। और तीसरी चीज, अगर मैं ही नहीं बनाऊंगी तो फिर तीसरा कौन आएगा खाना बनाने। तो अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें चलेंगी ना, तो आप डेफिनेटली अपने काम को अंजाम देने लगेंगे और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम भी निपटा लेंगे और आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। बस ऐसा ही कुछ सोच लेती हूँ मैं भी और एनर्जी अपने आप आ जाती है और मैं भी लग जाती हूँ काम में। फिर ये भी सोचती हूँ कि मैं व्लॉग ना बनाऊ, कैमरा ना लगाऊ, फटाफट जल्दी जल्दी काम कर लूँ, जिस दिन आलस रहता है मुझे उस दिन, जैसे कि आज लग रहा था। फिर मुझे ये भी लगता है कि वो भी मेरा एक काम है, मैं नहीं करूंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं अपने व्यूवर से, अपने प्यारे से सब्सक्राइबर से एक दिन के लिए दूर हो जाऊंगी और एक वो दिन मेरे लिए बहुत लंबा सा गुजरेगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो मैं पढ़ती हूँ वो मुझसे थोड़े से दूर हो जाएंगे। सो मुझे तो आदत लग गई है, वो कहते हैं ना, एक लत लग जाती है कमेंट पढ़ने की, आप लोगों के जवाब देने की और रोज वीडियो बनाने की। सो वही है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जरूर फॉलो करिएगा। और हाँ, जब भी आप सुबह अब उठे और भगवान को थोड़ा सा याद करें, प्रणाम करें, उसके बाद अपने जो काम है वो स्टार्ट करें। और ये कभी ना सोचे कि जैसे कि आपने काम करना स्टार्ट कर देखा कि अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत देर से उठी हूँ,
अब मुझसे ये सारे काम कैसे होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हो जाता है कभी कभी, हम लोग देर से भी उठते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन कामों को आप, जैसे कि आपके पास चार काम है तो आप आज तीन कर लीजिए, एक दूसरे दिन के लिए छोड़ दीजिए, जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन अगर आप उन्हीं सारे कामों को हड़बड़ी के साथ में करेंगे तो आपके वो जो तीन काम है ना, वो एक भी नहीं होंगे और सारे के सारे बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और अच्छी सोच लेकर जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है और हमारे काम भी आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोफ्ते, सॉरी पकौड़ियाँ है, वो सिक गई हैं और बस को पकौड़ियाँ सिक जाएंगी, इनको निकाल लेंगे और इसमें से एक मतलब एक घान से आधा हम लोगों ने खा ही लिया था और बचा हुआ सारा पकौड़ियाँ डाल दी थी, क्योंकि सब्जी के साथ में चार छह पकौड़ियाँ ही चल जाती, लेकिन ऐसी सूखी खाने में तो बहुत मजा आता है। तो किस किस को अच्छी लगती है मुझसे शेयर करना। इसमें प्याज भी इंक्लूड कर सकते हो, मैंने नहीं की थी। अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए थोड़ा सा प्याज डालिएगा और बस इसी ऑयल में, बचे हुए ऑयल में मैं थोड़ा सा हींग जीरा तेज पत्ता डाल के और इसको छोंक दूंगी। और खड़े जो मसाले हैं वो तो ऑलरेडी मैंने प्याज में पीस रखे हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग और काली मिर्ची, बड़ी इलायची, ये सारी चीजें मैंने इसमें पीस दी हैं। तभी थोड़ा सा मसाला काला लग रहा है। अब जैसे ही मसाला भून के ऑयल छोड़ेगा वैसे ही मैं इसमें बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, ये सारी चीजें ऐड कर दूंगी। और नमक थोड़ा सा कम ही डालना हाथ पकड़ के, बिकॉज नमक हमारा उसमें भी है, पकौड़ियों में भी, क्योंकि पकौड़ी में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। और बस पानी डाल के इसको एक अच्छा सा बॉयल देंगे, उसके बाद जब खोल जाए तो इस ग्रेवी में ये पकौड़ियाँ हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम करके 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाए, आपको जैसी ग्रेवी पसंद है, थोड़ी पतली थोड़ी सी गाढ़ी, वैसी कर लीजिएगा। वीडियो में थोड़ा सा कलर कम अच्छा दिख रहा है, स्वाद में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ज़रूर ट्राई करिएगा। और नमक मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार करिएगा। लगे हाथ में बर्तन भी धुल देती हूँ, क्योंकि अभी दक्ष और राजा दोनों लोग बिजी हैं। जब तक ये बिजी रहते तब तक मैं ऐसे कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता है। दक्ष जब छोटा था तब बहुत कुछ नहीं हो पाता था मुझसे, मतलब मैं सच बताऊँ मैं रोने लगती थी। हकीकत यही है कि जब दक्ष मेरा छोटा सा था और छोटा वाला, छोटा तो अभी भी है, जो वो करीबन 1.5 साल का था, तब मैं काम करने जब जाती थी तो वो घुटनों घुटनों से चला आता था। हालांकि वो चलने भी लगा था लेकिन गिर भी पड़ता था फिर चल के आता था। लेकिन जब वो परेशान करता था और मेरे काम नहीं हो पाते थे तो मैं मतलब फोन करती थी इनको कि अपने हस्बैंड को कि साथिया देख बहुत परेशान कर रहा है, और मैं रोने लगती थी। तो मेरे बहते हुए आंसू मेरी आद्या भी पोंछती थी और दक्ष तो समझदार इतना था ही नहीं, वो तो छोटा सा था। खैर जो भी है वो दिन तो चले गए, लेकिन अभी भी छोटा ही है वो। और एक चीज और, बच्चे जब तक छोटे होते तब तक गोदी ले लो जितना मन करे, जब बड़े हो जाते ना वो गोद नहीं आते। मेरा दक्ष तो अभी से ही नहीं गोद आता है, जब उसको दूध चाहिए होता तभी मेरे पास आएगा, नहीं तो फिर वो भाग जाता है, गोद नहीं आएगा, पैर में चप्पल डाल के चलेगा लेकिन गोद में नहीं आता है। पता नहीं क्यों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो चलने जब लगते हैं ना तो अपने आप से चलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए बच्चों को खूब सारा प्यार करो, खूब सारा लाड़ दो। बस बर्तन भी धुल लिए, साथ ही दक्ष की बोतल भी धुलनी थी, तो मैं दिन में कम से कम 2 बार अभी गर्मियों में धुलती हूँ बोतल, और गर्म पानी से भी धुलती हूँ, क्योंकि ये स्टील की बोतल है तो मुझे लगता है कि इसे जब हम खोलाते हैं तो ये स्टील बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर गर्म पानी से धुल देते, थोड़ी देर पानी गर्म डाल के रख देते हैं तो अच्छे से ये साफ हो जाती है। जैसे डेली के हम बर्तन धुलते हैं वैसे इसे भी धुलना चाहिए। तो जब भी मैं दूध देती हूँ इसको बोतल में, तब मैं धुलती हूँ इसको, धुल के गर्म पानी से करके तभी देती हूँ। यहाँ का जो टोटी है, ये जो पाइप है दूसरे वाले नल का, वहां से पानी ना थोड़ा सा लीक होता है दीवार की तरफ से, तो मैं यहाँ पे एक प्लेट लगा के रखती हूँ, नहीं तो ये सारा पानी ड्रेन आउट होकर नीचे फर्श से निकलता रहता है। तो बस इतनी पसीने से भीग गई थी कि सबसे पहले आकर मैंने यहाँ पे आके मुंह धुल लिया है। और डोरी बंधी हुई है अभी मेरे हॉल में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बारिश जब होगी या फिर जब बरसात का मौसम आने ही वाला है तो कपड़े बाहर डाल ही नहीं पाएंगे, तो मुझे यहीं पे डालने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसे खोला ही नहीं है। आद्या यहाँ पे पेंटिंग अपनी कर रही थी, उसके फेवरेट काम है, और आद्या के स्कूल को लेकर बहुत सारे कमेंट आए थे, तो आद्या स्कूल बहुत जल्द जाएगी, देख रहे हैं अभी हम लोग, सोच रहे हैं समझ रहे हैं क्या करना है, बहुत जल्द शेयर करूंगी सारी चीजें और मैं उसे लॉस नहीं होने दूंगी उसकी पढ़ाई को। ये डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होगा, आप लोग कभी भी इस तरीके से मत सोचिए। आप लोग अगर सोचते हो तो मैं तो माँ हूँ, मैं कितना सोचूंगी उसके बारे में, आप लोग समझ ही सकते हो। सो बस दोपहर का देखिए कैसे
भयंकर वाली धूप हो रखी है, मैं कपड़े धुल रही हूँ वॉशिंग मशीन में। मैं सोच रही हूँ कपड़े धुल गए हैं तो फिर इनको ड्राई कर लेते थोड़ा सा, वैसे ड्राई करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर कर ले थोड़े हल्के हो जाते हैं लेके डालने में, और दोपहर में धूप में डाल ही देती हूँ। वैसे तो मैं शाम को ही डालती थी, आज मेरा मन किया डाल देते हैं, क्योंकि 2 बार के हैं, बेडशीट भी है, बाद में डालते रहेंगे धुलते रहेंगे साथ ही साथ, और सूखते रहेंगे तो उतार लाऊंगी तुरंत की तुरंत। तो बस फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। और जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े इस तरफ से उस तरफ डालने होते हैं ना, सच में मेरे कंधों में बहुत दर्द हो जाता है, इन्हीं सारी चीजों से सर्वाइकल का दर्द स्टार्ट हो जाता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ कौन सी मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन? वैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने जितना भी देखा है, लोगों से पूछा है, तो सब लोग यही कहते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन ज्यादा अच्छी होती है। आगे आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे इन फ्यूचर मैं दोबारा कभी भी जब ये खराब वराब होगी या कुछ भी होगा मैं लूंगी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि यही वाली ही दिलाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या होगा आगे चल के, वो नहीं मालूम, लेकिन आप लोग सजेशन जरूर देना। कपड़े डालने बाहर गई थी, यहाँ तक सुरादे लगे हुए हैं, और मैं उन लोगों को बिजी करने के लिए कलर वगैरह दे के गई थी ताकि ये लोग थोड़ी देर बिजी रहें। और दोनों देखो वो भी अपना कलर करने में लगा हुआ है, ऐसे ही करते रहते दोनों लोग, खेलते रहते हैं, मेरा काम हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान करता है सच में, हद से ज्यादा। उस दिन मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। करीबन करीबन 2 बज रहे हैं, 2:30 बजे मेरे पति देव आ जाएंगे, और तब तक मुझे थोड़ा सा लेटना था, मैं बहुत थक गई थी, खाना वगैरह खा लिया है, दक्ष बच्चों को भी खिला दिया था, और मेरा मन कर रहा था कोई मेरे बालों में खूब अच्छे से कोम करे, तो मैंने आध्या से बोला दक्ष फ्री फैंड में आ गया मेरे बालों को, पर ऐसे कराने में मुझे बड़ा ही मजा आता है, बहुत धीरे धीरे कर रही है वो, और मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं ना गिर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रही है दोनों बच्चे, और मुझे मजा भी आ रहा है। बस ऐसे ही करते करते थोड़ी देर बाद मैं सो भी जाऊंगी, अच्छी नींद ले लूंगी, मुझे बहुत नींद की जरूरत है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये शाम का टाइम है और अच्छी नींद ली थी मैंने, उसके बाद रूम को मैंने ठीक किया है, ऐसा तो मेरा रूम दिखता ही नहीं है शाम के टाइम पे, इतना ज्यादा मेस रहता है, टेबल इधर उधर हो जाती है, खिलौने फैले होते हैं, कुछ खाया पिया शाम को चाय वाय पी वो सब फैला होता है, बेड अनटाइडी रहता है,
ये सब बच्चों की वजह से डेली का ही रहता है। कभी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में कि कैसी हालत कैसे करते हैं मेरे बच्चे दोनों में लोग मिलकर। दक्ष मेरा सबसे ज्यादा शरारती है, आद्या से भी ज्यादा। तो ये शाम का मेरा रोज का रूटीन रहता है पूरे घर में झाड़ू लगाना, बस एक रूम को छोड़ के जो जहाँ बहुत सारा सामान रखा है दूसरे वाले रूम में, उस वाले रूम, क्योंकि उस रूम में जाना कम होता है तो वो रूम गंदा भी कम होता है इस वजह से। अदरवाइज किचन हॉल और ये रूम बहुत क्लीन करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। और बस हाथ वाथ धुल के, मुंह धुल के अच्छे से चोटी बना ली है, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैं दाल भिगोने के लिए रख दी थी, अरहर की दाल थी ये, और मैं इसको भिगो के तभी बनाती हूँ। भिगोने से फिर क्या होता है कि दाल ना दो और सीटी में बन जाती है, जो तीन सीटी में बनती है, और गैस भी कम लगती है। यहाँ पे आधा उछल रही थी तो मैं से डांट रही थी कि ऐसे क्यों कर रही हो कैमरे में आके, मैं अभी तुम्हारी डांट लगाती हूँ आके, तो बस भाग गई तुरंत वो। तो बस मैं यहाँ दाल चढ़ा दूंगी और शाम को आज हमारे यहाँ दाल बनेगी, क्योंकि पतिदेव मेरे कह रहे थे हस्बैंड जी कि सुबह मेरा दाल ही खाने का मन कर रहा था, तो मैं कोफ्ते बना दिए थे, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं अब शाम को दाल बना देंगे। बस यहाँ पे हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल के, पानी यानी डाल के मैं गैस पे रख दूंगी गर्म होने के लिए। अच्छा कभी कभी मैं ये काम ना बाद में करती हूँ, पहले संध्या आरती कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ये दाल भिगोने रख दी थी, ज्यादा भीग जाती फूल जाती, इससे अच्छा मैंने सोचा चलो इनको डाल के रख देते हैं कुकर में और चढ़ा देते हैं, फिर संध्या आरती करते हैं। बस इसके बाद जाकर मैं हाथ पैर थोड़ा सा धुलूंगी और उसके बाद संध्या आरती करूंगी, जैसे चुन्नी ले लेती हूँ संध्या आरती करूंगी। तो बस संध्या आरती करूंगी, साथ ही साथ तुलसी जी मैं नीचे लेकर आ गई हूँ, तुलसी जी की भी आरती करूंगी जाके यहाँ पे अपने मंदिर में, माता रानी की भी और सभी भगवानों की आरती कर दी है। एक दिया और मैंने जलाया है, वो बाहर तुलसी जी पे रखूंगी जाकर। तो बस इस तरीके से हमारा शाम का है वो रूटीन रहता है। गुड इवनिंग। तो अभी पूजा वूजा करके अभी फ्री हुई हूँ, तो और किचन में गैस पे दाल चढ़ा कर आई हूँ, दाल ही बनेगी शाम को, रोटी बनेगी बस। हस्बैंड जी कह रहे थे आज दाल रोटी खाने का मन कर रहा था, तुमने कोफ्ते बना दिए, मेरा मन नहीं था क्योंकि कल बाहर खा कर आए थे इसलिए, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और कोफ्ते बना डाले, और लेकिन अभी दाल बनाई है मैंने, मैं सोचा दाल ही बना लेती हूँ अभी। और जब मैंने परसों या नर्सों की वीडियो में मैंने एक दिन बताया था कि मैंने मैथ से, यानी मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने साइंस साइड मतलब बीएससी किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट आया कि दीदी आपने अगर साइंस से पढ़ाई की है तो फिर आप अपनी बेटी को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप स्टूडेंट मतलब एक साइंस के स्टूडेंट होते हुए भी बच्चे के लिए ट्यूशन लगवाना चाहते हो। देखिए मैंने साइंस से पढ़ाई की है वो मेरी पढ़ाई की बात है, दूसरी चीज़ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ ही मदर हूँ वो भी दो बच्चों की, एक मेरा बहुत ही छोटा बच्चा है अभी 2.5 साल का है, तो उसको देखना फिर आध्या को पढ़ाना और घर का काम यूट्यूब ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं, और पता नहीं क्यों अपना बच्चा अपने से नहीं पढ़ पाता है ऐसे। हाँ ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पढ़ाती नहीं हूँ, मैं उसे पढ़ाती हूँ, उसके होमवर्क चेक करती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, उसको जो समझ में नहीं आता वो बताती हूँ, मैथ सिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें से पढ़ाती हूँ, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाना वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कुछ पता ही रहता कब दक्ष परेशान करने लगे, कब वो चिड़चिड़ाने लगे, कब वो खींचने लगे। अगर कोई ट्यूशन टीचर होती है तो वो आके एक घंटा प्रॉपर एक घंटा पूरा टाइम देगी, ना आध्या उसके बीच में कुछ मांगेगी ना कुछ कहेगी, लेकिन मम्मी है साथ में तो मम्मी के लिए कभी कुछ कभी कुछ कभी हो सकता है मम्मी अब मुझे नहीं पढ़ना है, और दक्ष भी परेशान करेगा, पर वो टीचर जो पढ़ाने आएंगे उनके पास दक्ष भी नहीं जाएगा, तो वो मेरे पास ही रहेगा और वो आध्या अच्छे से पढ़ाई भी कर लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, लंबा हो गया है काफ़ी।
ठीक है, बच्चे चले गए पार्क, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बैठ के रूबरू होकर सामने से बात कर लेते, वरना कहाँ मौका मिल पाता है, कहीं पंखा खड़खड़ खड़खड़ करता रहता, कहीं बच्चे चेचे चेचे खड़ते रहते हैं, और फिर हस्बैंड के कॉल पे कॉल, कहीं कोई कॉल कोई कॉल कॉल आया ही करता है। तो चलिए अभी मैं गैस बंद करके भी आई हूँ ताकि कुकर की भी सीटी ना मुझे डिस्टर्ब करे, आप लोगों के हमारे बीच में कोई ना आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।